बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे आजम ने कब साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई थी? सही जवाब है 1927 में। सिंध मदरसातुल इस्लाम में कायदे आजम की तारीख पैदाइश क्या दर्ज है? सही जवाब है 20 अक्टूबर 1875। कायदे आजम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पहली दफा कब लगाया? सही जवाब है 3 जून 1947 को अपनी तकरीर के अख्तिताम पर। ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया? सही जवाब है कायदे आजम ने। कायदे आजम ने आखिरी खत किसको लिखा था? सही जवाब है जनरल ग्रेसी को। कायदे आजम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? सही जवाब है अलामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने। कायदे आजम को सबसे पहले बाबाए कौम का खिताब किसने दिया? सही जवाब है काजी मोहम्मद अकबर ने। कायदे आजम मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? सही जवाब है 10 अक्टूबर 1913 में। कायदे आजम किन दो लीडरों के इसरार पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए? सही जवाब है सैयद वजीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जोहर। कायदे आजम के अकीके के वक्त कितनी उम्र थी? सही जवाब है 1.5 साल। तहरीके पाकिस्तान के किस रहनुमा का खिताब फातेह सरहद था? सही जवाब है मौलाना हामिद बदीवानी। कायदे आजम को कम्युनल अवार्ड कब मिला था? सही जवाब है 1932 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किस रहनुमा ने तजवीज किया था? सही जवाब है सर मोहम्मद शफी ने।